नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत से रिलेटेड। जी हाँ भाई, कुवैत का मैं ए टू ए से लेके जेड तक आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा वीज़ा से रिलेटेड। चाहे वो वीज़ा किसी भी प्रकार का कोई भी हो, प्रोसेस सेम रहेगा। अगर मेरे बताए अनुसार अगर आपका काम कोई ऑफिस को एजेंट करवा रहा है तो सही है, अगर इस तरह से नहीं करवा रहा है तो इसका मतलब आपके साथ चीटिंग कर रहा है, वो पैसा खाएगा। क्योंकि कुवैत का एक सबसे माइनस पॉइंट ये आता है कि एक वीज़ा नंबर होता है, उसके आधार पर आपको मेडिकल करवाना होता है, वही को आपको वीज़ा दिखा के आपसे पैसा ले लेते हैं, जबकि वो वीज़ा नहीं होता। जी हाँ, डिटेल से जानिए, वीडियो पूरा देखिए, उसमें बताएंगे कि वीज़ा का प्रोसेस क्या होता है लगने का। यहाँ से अप्लाई करने से आगे तक जॉब लगने तक का पूरा प्रोसेस वीज़ा का बताऊंगा। इस तरह से आपका प्रोसेस होता है, आप अपने स्तर पे भी करवा सकते हैं। जी हाँ, इसमें एजेंट की भी ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, आपके पास वीज़ा होना चाहिए, वहाँ से कोई भेज रहा है तो आप ये प्रोसेस करवा सकते हैं। डिटेल से जानिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। कुवैत का वीजा कैसे अप्लाई करें या कुवैत में वीजा कैसे अप्लाई करें, क्या प्रक्रिया है, क्या डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, और आम बोलचाल में 17 नंबर वीज़ा, 18 नंबर वीज़ा क्या होता है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। कहाँ मेडिकल होगा, किस तरह से मेडिकल होगा, ठीक है, कैसे आपके फिंगरप्रिंट होंगे, आगे कुवैत में जाके आपका कैसा वीज़ा लगेगा, फिंगरप्रिंट कैसे होंगे, पूरी हम डिटेल से जानेंगे। वीडियो पूरा देखते रहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आम बोलचाल में भाषा 17 नंबर वीज़ा, 18 नंबर वीज़ा। 17 नंबर जो वीज़ा होता है वो अनुच्छेद सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का होता है। जी हाँ, और 18 नंबर जो वीज़ा होता है वो अनुच्छेद में बताया गया है कि भाई निजी क्षेत्र के जो कर्मचारी होता है उनके लिए वो वीज़ा होता है। जी हाँ, आपको करना क्या होगा, सबसे पहले मैं बता दूं, सामाजिक मामलों में जो श्रम मंत्रालय से है वर्क परमिट वीज़ा प्राप्त करना होता है। ये कहाँ से करना होता है, कुवैत से। जी हाँ, अब आप बोलोगे हम तो इंडिया में बैठे हैं, कुवैत में कौन करेगा, वो आपकी कंपनी या आपका जो भी रिस्पॉन्सर है जो वीज़ा भेज रहा है उसका ये प्रोसेस होगा, ठीक है। उसके लिए आपको पासपोर्ट की कॉपी भेजनी पड़ेगी, ठीक है, इनको कंपनी को, फिर कंपनी इनको जमा देगी, कहाँ देगी, श्रम मंत्रालय में या वर्क परमिट, जो श्रम मंत्रालय से वर्क परमिट वीज़ा लेना होता है ना, मानव संसाधन मामले और श्रम मंत्रालय में आप कंपनी को या अपने बंदे को कॉपी भेजेंगे फोटो सहित, वो वहां पे जमा करवाएगी। जी हाँ, जमा करने के बाद में आपके पासपोर्ट नंबर के आधार पे आपको आपकी जांच होगी, जो बता दूं आंतरिक मंत्रालय या अपराध मंत्रालय है वो आपकी जांच करके आपको एनओसी दे देगा, एनओसी कंपनी को मिल जाएगी, फिर कंपनी क्या होता है वीजा के लिए अप्लाई कर देगी, फिर वीजा और एनओसी आपको भेज देगी। जी हाँ, आपको कहां पे, इंडिया में वो डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। अब इंडिया में आने के बाद में आपको क्या करना है वो हम डिटेल से आगे बताएंगे। जैसे मान लीजिए वहां की कंपनी या रिस्पॉन्सर आपको वहां से उनको वीजा नंबर मिल जाता है, वीजा एक तरह से मिल जाता है, एनओसी मिल जाती है कि ठीक है आप इस बंदे का वीजा, इस बंदे को वर्क परमिट वीजा हम अवेलेबल करवा देंगे, यानी आपको वीजा मिल जाएगा, वहां से फिर वो कंपनी आपको वो वीजा भेजेगी। जी हाँ, उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, वो वीजा नंबर लेके आपको वेरीफाइड जो गमका मेडिकल होते हैं वहां पर आपको गमका मेडिकल करवाना होगा, गमका मेडिकल की ओरिजिनल कॉपी और पुलिस की पीसीसी बोलते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, आपको पता है कुवैत में मांगते हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है। उसके बाद में बता दूं आपको जो वेत एजेंट होता है वहाँ पे आपको, अगर आपके पासपोर्ट में इमिग्रेशन नहीं है तो इमिग्रेशन भी करवाना पड़ेगा भाई, उसका अलग से चार्जेज होता है। कुवैत, भारत में अगर आप कुवैत का वीज़ा लगवाते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। एक आपको हवाई टिकट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, दूसरा आपको मेडिकल रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तीसरा ECNR पासपोर्ट के साथ आपका पासपोर्ट होना चाहिए, मूल वीज़ा, अगर आपको पासपोर्ट में वीज़ा लग रहा है तो ओरिजिनल मूल वीज़ा, ओरिजिनल वीज़ा आपके पास होना चाहिए। जी हाँ, उसके बाद में कार्य का जो वर्क परमिट है, जो कंपनी के बीच में आपके बीच में समझौता हुआ, वो वर्क परमिट भी इसमें हस्ताक्षर किए जाना होना ज़रूरी है, वो भी इसमें साथ में चाहिए होता है। नीले या वाइट पर्दे की आपके पास फोटो होनी चाहिए, PCC रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, अगर ड्राइवर में जा रहे हैं तो ड्राइविंग के लिए आपके ड्राइवर का लाइसेंस या उसका अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए जो विदेश मंत्रालय द्वारा सर्टिफाई हो। जी हाँ, सहयोग के लिए भी भाई अनुभव प्रमाण पत्र आजकल मांगने लग गए, वो भी विदेश मंत्रालय द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, अगर आप इंडिया से वहां पे अच्छे कोई होटल में रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो ये प्रमाणित माना जाता है। जी हाँ, ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो पासपोर्ट में वीजा की मोहर लगती है, पासपोर्ट वीजा प्रिंट होता है सबको पता है, तो इसके लिए आपको एक रजिस्टर्ड विदेश मंत्रालय द्वारा ट्रेवल एजेंट होते हैं, जो मैन पावर होते हैं वो ये काम करते हैं इमिग्रेशन का, तो उनसे आपको कॉन्टेक्ट करके भारत में जो कुवैती जो दूतावास है,
ठीक है, उनसे वो कॉन्टेक्ट ट्रेवल एजेंट हैं, वो उनका काम होता है। फिर वो जो कुवैत के दूतावास, जैसे दिल्ली में कुवैत की एम्बेसी है, वो वहाँ से वो वीज़ा को आपके पासपोर्ट में प्रिंट करके आपको दे देते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपके पास हो गए, ये हो गया इंडिया का प्रोसेस। अब आप जैसे कुवैत में जाते हैं तो कुवैत में भी आपका प्रोसेस होता है, फिंगरप्रिंट वगैरह सब होते हैं, वो क्या होता है वो भी आपको जान लेना ज़रूरी है। अब इंडिया से आपका पूरा प्रोसेस हो गया, अब आपके पास टिकट, आप टिकट लेके हवाई यात्रा करके कुवैत पहुँच जाते हैं। कुवैत में प्रवेश करने पर बता दूँ आपको, देश में चार पंजीकृत फिंगरप्रिंट हैं वहाँ पे, ठीक है, उसमें एक पे आपको फिंगर पूरा प्रोसेस करवाना होगा। फिंगर करवाने के लिए आपके पास ये निम्नलिखित, मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट बता दूं, ये आपके पास पहले से होना चाहिए। एक तो टाइप किया आवेदन होना चाहिए, जो एजेंट है इंडिया में जिनसे करवाया वो आपको पूरा प्रोसेस करके देगा, ठीक है। एक आपके पास ओरिजिनल जो वीज़ा है उसकी एक कॉपी होनी चाहिए, एक फोटो कॉपी जिनको मान सकते हैं। मूल वीज़ा तो आपके पासपोर्ट में है ही, वो चल जाएगा, ठीक है। सेकेंड, मूल आपका पासपोर्ट होना चाहिए, उसकी एक फोटो कॉपी आपके पास में रहनी चाहिए। चार, आपके पास फोटोग्राफ होनी चाहिए, जी हाँ। और दूसरा आपका मेडिकल, जो आप इंडिया से लेके जा रहे हो वो मेडिकल रिपोर्ट साथ में होनी चाहिए, उसकी एक फोटोकॉपी भी साथ में होनी चाहिए, जी हाँ। आपका बीमा, आपको पता है जाते हो तो एक बीमा होती है, उसकी बीमा की एक रसीद होती है जिसको स्लिप बोल सकते हैं, वो भी आपके पास होनी चाहिए, एक उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। सामाजिक मामलों, श्रम मंत्रालय से वर्क परमिट के लिए पत्र, जो शुरू में कंपनी को, आपको मैंने फर्स्ट में बताया था ना, कंपनी को एनओसी दी थी, वो एनओसी ही होती है एक तरह से समझ सकते हैं कि, वर्क परमिट के लिए पत्र होता है, वो आपके पास होना चाहिए। इन सभी आपके पास डॉक्यूमेंट है गुजर कर, आप ये पूरा प्रोसेस कर लोगे तो आपको कुवैत का वर्क परमिट वीज़ा पास लग जाएगा, आप आराम से कंपनी, ये हालांकि देखिए ये आपको नहीं करना होता है, लगभग कंपनियाँ करवाती हैं आपको, तो जब आप अपने स्तर पर करते हो ना तब ये पूरा प्रोसेस करना होता है, बाकी ये काम पूरा कंपनियों का होता है, वो अपने आप करवा लेती हैं। तभी तो बोलते हैं यार एजेंट कर लो, दलाल कर लो, पैसा तो ज़्यादा लगेंगे लेकिन टेंशन हेडेक खत्म हो जाती है, इसीलिए लोग बीजेंटों को करते हैं। अब इंडिया का जो